दीपावली के अक्षय अवसर पर यूनिवर्सिटी की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि कहाँ से यूनिवर्सिटी छोटे से रूप में चल करके आज वट वृक्ष बढ़ने को जा रहा है। और इतना ही नहीं कि यूनिवर्सिटी जहाँ तक रेजिडेंशियल स्टेटस था, आपने एफिलिएशन एफिलेटेड स्टेटस कर दिया। इसके साथ साथ दोनों डिस्ट्रिक्ट साहब ने फतेहाबाद और सिरसा लगा दिए। साथ ये जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, 29 तारीख को कॉन्फ्रेंस है जो कि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सारे 300 करीब डेलीगेट्स आएंगे जो कि बहुत यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरे सभी मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और 70 विद्वान के करीब ऐसे हैं जिनको एक मंच मिलेगा जिसमें वो सारी बातों को डिस्कस करके और हमारी यूनिवर्सिटी को एक नई दिशा देंगे। इससे इस प्लांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे कहा है कि भी आप इसका जो है दोबारा अधिग्रहण करके, दोबारा इनको सूचित करके और दोबारा नए सिरे से हियरिंग करके इसको अक्वायर करो। विभाग इसको नए सिरे से इनको नोटिस दोबारा करके सेक्शन 4 के हिसाब से और इसको दोबारा फिर अधिग्रहण करेगा। इससे प्लांट में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका प्लांट में कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लांट में जो भी स्ट्रक्चर बनने हैं वो इस जगह को एक बार छोड़ के हमने दूसरी जगह से जो है इसको हमने लेआउट करके बनाना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये रद्द किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अलग ही पड़ा हुआ है, हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। जो हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा इधर चल रहा है और उसमें हमारा इधर ही बनना है सारा कुछ जो भी है। फिलहाल इस फैसले से, चार एकड़ के फैसले से प्लांट के कार्य क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, फिलहाल इसमें नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट थी जगह वगैरह की वो हमने कर ली है, वो आगे पीछे करके हमने एडजस्टमेंट अभी की है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उसमें, क्योंकि जो एज ए ड्राइंग होता है उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है।